युवा किसान लीडर हाँ मौके पर मैं एक किसान का बच्चा हूँ जो इन दिनों तो किसानों का प्रदर्शन चल रहा है किसान ने जरा धरना प्रदर्शन किया हो बारे तो की विचार है जो सरकार ने अध्यादेश जारी किया विचार कोई नहीं असी धरने प्रदर्शन के नाल हाँ ये साडा अनिश्चितकाल धरना है जिन्ना चर जिहड़े एक कानून इन्होंने बनाए है अगर उन्होंने ये पूर्ण तौर पर स्थगित नहीं करते किसानों दी मंगा नहीं मनते तो यह जिहड़ा साडा धरना है ये इस तरह ही लगातार चलता रहेगा। असी किसानों के हकों के वास्ते सदा ही लड़ते आए हैं। अज किसान का बच्चा जाग पिया उन्हें पता लग गया भी जिहड़ियां सरकारां उहदे जमीर नाल छेड़छाड़ करन लग गईआं ते जदों भी किसी के जमीर के नाल छेड़छाड़ हुंदी है तो उस बंदे नूं दुख तो हुंदा ही है। इस करके ही अज किसान सड़कां ते है असी आपके हकों वास्ते लड़ रहे हैं तो आपके हक असी लैके रहांगे और असी जित्तांगे। और इहदे लई अगे दी की रणनीति बनाई गई अगे की रणनीति जिवें भी साडे युवा किसान नेता जिहड़े उन्हां दा जो हुक्म होएगा उहदे अनुसार ही चलांगे। मौके पर साडा धरना चल रहा जिवें तुसीं अज देखिआ कि सवेरे साडी जो रणनीति बनी जिवें कि पुतला फूकण दी सीगी पुतला फूकिआ गिआ। तुसीं एक चीज़ नोट की होनी है सरकारां नूं तां डर है भी कितें इह हड़दंगबाजी ना मचा देण क्योंकि इन्हां ने तां कोई ना कोई इल्जाम लाउणा हुंदा ना भी शरारती तत्व इस तरह जी ये वो किसानों को बदनाम करना है। पर तुसीं एक चीज़ नोट की होनी है कि किसान इत्थे आए है शांतिपूर्ण तरीके नाल उन्होंने आपदे नारे लाए है जिहड़ा कि साडा हक है क्योंकि साडे नारियां नूं साडे हक्कां नूं दबाया जा रहा ना। असीं आपदे नारे लाए है पुतला फूकिआ ते शांतिपूर्ण तरीके नाल आपदा वापस धरना स्थल ते किसान पहुँच चुके हैं। धरना साडा अनिश्चितकाल जारी है। सर बीजेपी सरकार वालों ये गल कह जा रहा है कि विरोधी पार्टियां अपने किसानों नूं भड़का रही ने ते हालांकि ये जड़े बिल ने कृषि बिल जड़े जारी किए गए ने किसानों के फेवर च ने भी सिर्फ इन्हां च आढ़तियों नूं ही सिर्फ नुकसान हैगा इहदे विच किसानों नूं हले कोई दिक्कत नहीं गी। आढ़तियों नूं किस चीज़ का नुकसान है सब नूं नुकसान है आढ़तियों का नाम ना लो तुसीं इहदे विच मजदूर नूं नुकसान है किसान नूं नुकसान है अफसरशाही नूं भी नुकसान है। तुसीं एक चीज़ नोट करिआ जे जिहड़ी मौके की सरकार है ना हुण इहदे विचों इहदे तों हर वर्ग परेशान है सिर्फ एक किसान परेशान नहीं हैगा किसान मजदूर कमेरा हर वर्ग सरकारी कर्मचारी मुलाजम तुसीं गूगल पर सर्च करके देखो जां डिपार्टमेंटां जाके तुसीं रिपोर्ट लो जिहड़े सरकारी मुलाजम है ना साडे चाहे साडे पुलिस दे मुलाजम है चाहे होर जिहड़े करिंदे ने जिहड़े गवर्नमेंट अदारियां 'च काम कर रहे हैं महीना महीना दो दो महीने हो गए उन्हां दीआं खातिआं 'च तनखाहां नहीं आईआं। तुसीं धरने की गल करते हो ना एक गल याद रखियो अगर धरना थोड़ा जिहा लम्मा हो गया किसानां ने तां जुड़ना ही जुड़ना हर रोज़ साडी संख्या वध रही है सरकारी अदारे भी साडे नाल आ के इत्थे सरकार दे खिलाफ बहणगे। ये अज तुसीं मेरी गल नोट कर लिया जे दुबारे फिर इसे थां ते वो सरकारी अदारे साडे नाल पुतले फूकणगे। ठीक है सर रविंदर सिंह अजी की मां कहना जिहड़े डीसी साहब ने आदेश दिता सी कि अगर पुरानी नहीं दिलाओगे तो उन्हां नूं प्राइज दिता जाएगा तो उहदे बारे तुहाडा की कहना है। डीसी साहब का चंगा उपराला है कि जिहड़ा किसान पराली नहीं साडे नूं प्राइज दित्ते जाणगे पर उन्होंने जी साहब को एक मैं सलाह देना चाहूँ निकी जी उन्हें जिमीदारा थोड़ी जी डिस्कस करनी सी कि जिमीदार की प्रॉब्लम है क्यों पराली साड़ते हैं अजक छोटा जिमीदार है कोई उन्होंने प्राइजा की लड़ नहीं हैगी उन्होंने वास्ते चंगे संद लेके दिए जा जो तेल पा के अपनी ही बिजाई कर सकन जो छोटा जिमीदार पांच सत्त किलों ने मोस्टली 80% हो गए अपने एरिए उद घट्टो घट जे असी पराली में बिच दबना चाहते हैं तो 15-20 लाख सू संद चाहिए ना ट्रैक्टर समय पर जिमीदार अज का मैं तो सोचता नहीं भी कहना मतलब सोच रहा इन्नी तो फसल ही नहीं होंगी कि वो इन्ने रुपये ले ले कितों या कट ले कितों या लोन भी नहीं दे रहे बैंक वो की करूगा उन्हें कुछ नहीं बचना। मैं डी साहब में यही रिक्वेस्ट करना चाहता कि जिमीदार डिस्कस करे उन्होंने जिहड़ी सोसाइटियां चंगे संद मुहैया करवाए जाए ता जो जिमीदार वह तेल पा के कुछ भी करके उन्होंने पराली के नूं फड़ दें नहीं तो फिर जिमीदार मजबूरी है उन्होंने अब लेबर भी बहुत होगी उन्होंने उठाने वास्ते या बिच दबाने वास्ते तो इस करके मैं डी साहब में यही रिक्वेस्ट करूँगा कि कोई ना संद प्रोवाइड कराए जाए नहीं किसान मजबूर होकर तो पराली में अग लाने।